वही वीडियो देखो जो आए बिना ब्रेक के। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज चैम्बर ऑफ कॉमर्स के समारोह में कारोबारियों को संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आर्थिक तरक्की में दुनिया का नेतृत्व करना है तो भारत को आत्मनिर्भरता का मंत्र अपनाना होगा। कोरोना वॉरियर्स के साथ हमारा देश इस लड़ाई में जरा भी पीछे नहीं है, लेकिन इन सब के बीच हर देशवासी अब इस संकल्प से भी भरा हुआ है कि इस आपदा को अवसर में परिवर्तित करना है। इससे हमें देश का बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट भी बना रहा है। ये टर्निंग पॉइंट क्या है? आत्मनिर्भर भारत अभियान का सीधा सा मतलब है कि भारत दूसरे देशों पर अपनी निर्भरता कम से कम करे। हर वो चीज जिसे इंपोर्ट करने के लिए देश मजबूर है वो भारत में ही कैसे बने, भविष्य में उन्हीं प्रोडक्ट्स का भारत एक्सपोर्टर कैसे बने, इस दिशा में हमें और तेजी से काम करना है। कई बार अनेक कठिनाइयां अनेक कसौटियां एक साथ आ जाती है, लेकिन हमने ये भी अनुभव किया है कि इस तरह की कसौटी में हमारा कर्तृत्व हमारा कृतित्व उज्जवल भविष्य की गारंटी भी लेकर के आता है। तीन सीटों पर राज्यसभा चुनाव से पहले राजस्थान में हॉर्स ट्रेडिंग के आरोप लग रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आरोप लगाया है कि उनके और निर्दलीय विधायकों को लालच दिया जा रहा है। कुछ कांग्रेस विधायकों को 25 करोड़ रुपए तक की पेशकश की गई है। राजस्थान की राजनीति अब इस होटल के इर्द गिर्द सिमट गई है। अशोक गहलोत ने कांग्रेस के अपने विधायकों को इसी होटल में ठहरा रखा है। गहलोत को पूरी फिक्र है कि बीजेपी उनके विधायकों में सेंध लगा सकती है, इसलिए ये किलाबंदी जरूरी है। हमारे विधायक बहुत समझदार है, वो समझ गए और खूब उनको लालच देने की कोशिश की गई। मेरे घर इस बात का है कि 6 बीएसपी के विधायक आए हमारे साथ, 13 विधायक आए निर्दलीय। हिंदुस्तान के इतिहास में पहला राजस्थान है एक रुपए का सोना नहीं। राजस्थान से राज्यसभा की तीन सीटों के लिए 19 जून को मतदान होने, संख्या बल बता रहा है कि कांग्रेस अपने कोटे से दो तो बीजेपी एक उम्मीदवार की जीत पक्की कर सकती है, लेकिन बीजेपी ने तीसरे उम्मीदवार को मैदान में उतार कर नया दांव चल दिया और कांग्रेस खेमे में खलबली मचा दी। गहलोत ने आनन फानन में कांग्रेस विधायकों को इस होटल में लॉक कर दिया। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी के तरफ से उनको समर्थन दे रहे निर्दलीय विधायक बहुजन समाज पार्टी से कांग्रेस में आए कुछ विधायकों को 25 से 35 करोड़ रुपए के ऑफर दिए जा रहे हैं राज्यसभा चुनाव में बीजेपी के कैंडिडेट को वोट देने के लिए। कांग्रेस को लग रहा है कि दाल में कुछ काला जरूर है। मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार के हश्र को देखते हुए गहलोत कोई जोखिम नहीं मोल ले रहे। कांग्रेस पार्टी के चीफ व्हिप महेश जोशी ने डीजीपी को खत लिखकर कहा है, कर्नाटक मध्य प्रदेश और गुजरात की तर्ज पर राजस्थान में भी हमारे विधायकों और समर्थन कर रहे निर्दलीय विधायकों को भारी प्रलोभन देकर राज्य की लोकतांत्रिक तौर से चुनी सरकार को अस्थिर करने का प्रयास किया जा रहा है। ऐसे चिन्हित तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। मुझे लगता है कि आज प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। इस बात से साबित हो गया कि सरकार अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही है। भले ही वो बीजेपी पर आरोप लगाएं, लेकिन उनका खुद का घर सुरक्षित नहीं है, उनको अपने विधायकों पर भरोसा नहीं है और इसीलिए इस तरीके की नौबत आज कांग्रेस पार्टी के भीतर आई है। कांग्रेस अलर्ट मोड में दिख रही है, लेकिन इस सतर्कता को कांग्रेस के अंदरूनी झगड़े से भी जोड़कर देखा जा रहा है। आज राजेश पायलट की जयंती है। सचिन पायलट ने कांग्रेस विधायकों को दौसा बुला रखा था।
लेकिन गहलोत विधायकों को होटल लेकर आ गए। तो क्या ये पायलट बनाम गहलोत की जंग की अगली कड़ी है? शरद कुमार, जयपुर आज तक। तो अब सवाल ये है कि क्या वाकई बीजेपी की तरफ से कांग्रेस विधायकों को तोड़ने की कोशिश हो रही है या फिर ये कांग्रेस के अपने अंदरूनी झगड़े का नतीजा है? आज तक संवाददाता शरद कुमार ने डेवरी सीएम सचिन पायलट से इसी को लेकर बात की। सर, राजस्थान में जिस तरह का राजनीतिक घटनाक्रम चल रहा है, पूरे देश में लोग सोच रहे हैं कि ऐसा तो नहीं कि मध्य प्रदेश के रास्ते पर जा रहा है राजस्थान? ऐसा कुछ नहीं है। कुछ लोग भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन संख्या बल हमारे पास है। हमारे जो सहयोगी दल हैं, निर्दलीय विधायक हैं, पर्याप्त मात्रा से ज़्यादा हमारे पास समर्थन है। मुझे लगता है कि कई बार माहौल खराब करने की कोशिश की जाती है, लेकिन हकीकत यह है धरातल पर हम सब लोग निष्ठावान लोग हैं। और AICC में सोनिया गांधी जी ने जो उम्मीदवार बनाए हैं राज्यसभा के, वो दोनों हमारे जो उम्मीदवार हैं वो पर्याप्त बहुमत से ज़्यादा मत लेकर यहाँ से सांसद बनकर जाएंगे। पायलट साहब, ये किसी को समझ में नहीं आ रहा है, आपकी सरकार है, आपके एक मुख्य सचेतक जाते हैं पुलिस महानिदेशक के पास, कहते हैं कि अति विशिष्ट सूत्रों से पता चला है कि हमारे विधायक खरीदे जा रहे हैं, आपकी सरकार, आपकी पुलिस, किससे आप क्या? ऐसा है, कई राज्यों में ऐसी कोशिशें पहले भी की गई हैं, तो हो सकता है ऐसा कुछ सुगकाहट किसी को महसूस हुई हो, लेकिन जहां तक प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते बताना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी के जो हमारे विधायक चुनकर आए हैं उन सब ने कल भी मीटिंग ली हम लोगों ने, और सब लोग पूरे मन से एकजुट हैं। किसी को कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो अगर तो बहुत कांटे का मुकाबला हो तो दोपहर हमारा जो बहुमत है वो 30-35 विधायक हमारे ज्यादा हैं, तो यहाँ कोई संभावना नहीं है कि यहाँ पे हमारे उम्मीदवार को किस बात का खतरा हो। ये सब कुछ सही है, लेकिन जो कुछ मंत्री नाराज हैं, जैसे विश्वेंद्र सिंह है, रमेश मीणा है, कल नहीं आया है, वो कहते भी रहे हैं कि इस तरह से अब जो सरकार की बात होनी, कुछ नहीं है। जितने भी हमारे विधायक हैं वो सब क्षेत्र में पहुंचे हुए हैं, और एक भी व्यक्ति हमारा कांग्रेस का या हमारा समर्थक इधर उधर होने वाला नहीं। आगे बढ़ते हैं। RJD सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का आज 73वां जन्मदिन है। बड़े बेटे तेज प्रताप ने पिता की सलामती के लिए पूजा पाठ किया, तो तेजस्वी ने रांची में जाकर पिता से मुलाकात की, और इस बीच JDU ने पटना में पोस्टर लगाकर लालू परिवार पर नया हमला बोला। आज आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लालू जी का जन्मदिन है, और हमारी पार्टी जो है इसको गरीब सम्मान दिवस के तौर पे मना रही है, और जो गरीब हैं, जो वंचित हैं, जो शोषित हैं, जो लांछित हैं, लालू जी ने जो उनकी लड़ाई जो लड़ी, आज सब लोग जो है उनको याद कर रहे हैं। तो आज हम लोगों को लालू जी से प्रेरणा मिलती है कि अपने विचारधारा को लेकर के उन गरीबों की हम लोग जो है लड़ाई लड़े और उनको अधिकार दिलाए। तो आज हमारी मुलाकात होगी उनसे, हमने विशेष अनुमति ली थी इसको लेकर के। सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण के अधिकार को बुनियादी संवैधानिक अधिकार मानने से इनकार कर दिया है। नीट मेडिकल में दाखिले को लेकर तमिलनाडु की राजनीतिक पार्टियों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी, और याचिका में OBC आरक्षण की मांग की गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि आरक्षण बुनियादी अधिकार नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ मना कर दिया, और इसके साथ ही कोर्ट ने कहा है कि अगर याचिकाकर्ता चाहे तो हाईकोर्ट जा सकते हैं, यानी सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि ये एक नैतिक अधिकार है, ये मौलिक अधिकार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने साफ मना कर दिया है। आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र के पालघर में दो साधुओं की हत्या के मामले की जांच CBI से कराए जाने की मांग को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और महाराष्ट्र सरकार समेत महाराष्ट्र के पुलिस महानिदेशक को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। सभी पक्षकारों से जुलाई के दूसरे सप्ताह तक जवाब दाखिल करने के लिए कहा गया है। पालघर में मारे गए साधुओं के रिश्तेदार और जूना अखाड़ा के साधुओं ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। याचिका में पुलिस पर सवाल उठाते हुए सुप्रीम कोर्ट से मामले की CBI जांच की मांग की गई थी। तो अब जवाब मांगा गया है। कोर्ट ने कहा है कि तीनों पक्ष इसको लेकर अपना जवाब रखें, जुलाई तक जवाब देने की बात कही गई है। साधु की हत्या की CBI जांच की मांग लगातार की जा रही है, और इसी को लेकर कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने आज इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई थी। ड्रग तस्करी के खिलाफ
श्रीनगर पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। 100 करोड़ से ज्यादा के नाको टेरर मॉड्यूल का पर्दाफाश हुआ है। पुलिस की टीम ने हंदवाड़ा में एक घर में भारी मात्रा में ड्रग्स और कैश की बरामदगी की है। जिसके घर से ये बरामदगी हुई है वो मौजूदा वक्त में श्रीनगर में रहता है। इस बरामदगी के आधार पर ही कई जगह छापामारी की गई है जिससे 100 करोड़ की कीमती ड्रग्स और कैश बरामद हुआ। पुलिस ने यह बताया कि ये पैसे आतंकी गतिविधियों के इस्तेमाल के लिए लाए जाने थे। 100 करोड़ की कीमत की ड्रग्स और कैश बरामद किया गया है। पुलिस बता रही है कि इसका आतंक से कनेक्शन है। सीधे सीधे हंदवाड़ा समेत कई जगहों पर रेड की जिसके बाद ये बड़ी कामयाबी पुलिस को मिली है। श्रीनगर में नार्को टेरर के बड़े मॉड्यूल का पर्दाफाश किया है पुलिस ने। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।